हमारी आजकल की दिनचर्या में कई बार ऐसा होता है, हम बहुत ही गुस्से से झुंझलाकर या फिर बस ऐसे ही कुछ कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो सुनिए। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कहा। फिर जब उसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। फिर वो संत को अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठे करो और उसे शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तो संत ने कहा, अब जाओ और उसी पंखों को वापस इकट्ठा करके ले आओ। किसान वापस गया तो सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उसे कहा, ठीक ऐसे ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी इन्हें वापस नहीं ले सकते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कुछ भी कड़वा बोलने से पहले याद रखें, भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए। इंसानी स्वभाव में काफ़ी बार गलतियाँ हो जाती है और इंसान बहुत ही हर्ट फील करता है, लेकिन माफ़ी मांगने से ये चीज़ें बहुत कम की जा सकती है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वह आप ही को कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो चुप ही रह जाए।